हमें कर्मों का फल नहीं बल्कि कर्म के पीछे के भावों का फल मिलता है। सब कुछ लूट लो लेकिन मजबूरी मत लूटो। हम कितने मासूम हैं। लॉकडाउन की खबर सुनते ही 2 रुपए का नींबू 10 रुपए में बेचने लगते हैं, 30 रुपए का प्याज 100 रुपए में बेचने लगते हैं, 25 का परवल 80 में बेचने लगते हैं। मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी सुनते हैं तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी शुरू कर देते हैं। हम मरीज को हजारीबाग से रांची पहुंचाने की बात देखते हैं तो 10 से 15 हजार रुपए मांग बैठते हैं। बनारस से गाजीपुर के लिए 10 हजार मांगते हैं, मिर्जापुर से बनारस के लिए 5 से 10 हजार मांगते हैं, नोएडा से दिल्ली के लिए 5 हजार मांगते हैं। दम तोड़ते मरीजों की दुर्दशा देखते हैं तो रेमडेसिविर इंजेक्शन में पैरासिटामोल मिलाकर बेचने लगते हैं। हम जब मरीजों पर जान की आफत देखते हैं तो लाखों का बिल बनाकर चूसना शुरू कर देते हैं। हम मरीजों के लिए जरूरी दवाओं के नाम जानते हैं फिर उनको स्टोर करना शुरू कर देते हैं। वास्तव में हम बहुत मासूम हैं या फिर लाशों का मांस नोचने वाले गिद्ध हैं। गिद्ध तो मरने के बाद अपना पेट भरने के लिए लाशों को नोचता है, पर हम तो अपनी तिजोरियां भरने के लिए जिंदा इंसानों को ही नोच नोच कर खा रहे हैं। कहां लेकर जाएंगे ऐसी दौलत या फिर किसके लिए, कभी सोचा है आपने? एक बार सोचना जरूर, एक दिन हिसाब सबको देना पड़ेगा ईश्वर की अदालत में। कच्छ के भूकंप के दौरान की एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूं। जिगरा होना तो अंत तक बड़े ध्यान से सुनिएगा। पुलिस राहत कार्य कर रही थी मलबे को घर से निकालने के लिए, जीवित बच्चे लोगों और मृतकों को बाहर निकाल रही थी। एक बूढ़ा आदमी एक सुंदर घर के मलबे के पास बाहर बैठा रो रहा था। मकान ढह गया, पुलिस आई, उसके पुत्र वधू का शव मलबे से निकाला। शरीर पर हर जगह गहने थे। पुलिस ने कहा, ये गहने रख लो, आपको काम आएंगे। फटी आंखों वाले उस आदमी ने कहा, ले लो सब कुछ ले लो, जो करना है करो, लेकिन मुझे ये गहने नहीं चाहिए। पुलिस के लाख समझाने के बाद बूढ़े ने रोते हुए कहा, जब मोरबी का डैम टूटा था तब मैंने ये सारे गहने मृत लोगों के गले से लूट के अपने घर लाकर अपने पुत्र वधू को पहनाए थे। आज मेरी बहू ने वही गहने पहने हुए हैं जो मैं लूट के लाया था। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो बोलता बोलता तेज तेज रोने लग गया और कहने लगा, आप ले लीजिए, आप रख लीजिए, आपको जो करना है, आपको जहां देना है आप दीजिए। कच्छ की इस कहानी को ध्यान में रखिए दोस्तों, और कोरोना के संकट के समय में मनुष्य की मजबूरी का लाभ ना उठाएं। इसलिए हमेशा याद रखें, हमारी कमाई हुई संपत्ति का बंटवारा कोई भी कर सकता है लेकिन हमारे कर्मों का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल हमें ही मिलेगा। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने, कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। इसलिए कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर फिर भी माफ कर सकते हैं पर कर्म नहीं कर सकते। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल अवश्य ढूंढ लेगा। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करके उन सभी अयोग्य लोगों को समझाएं जो जल्दी ही गलत काम करके करोड़पति बनना चाहते हैं, और वो भी ऐसी गलत शॉर्टकट तरीके से। और उन्हें समझाएं कि ये प्रकृति का न्याय छल कपट और लालच में किए गए गलत कर्मों का परिणाम देर से सही पर मिलता अवश्य है। आपका एक मूल्यवान शेयर बहुतों की मानसिकता बदल सकता है। और आप ऐसे लोगों को क्या सीख देना चाहोगे जो लोगों का ऐसे समय में फायदा उठाते हैं? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।